राधे राधे एवरीवन, जय माता दी आप सभी को। फ्रेंड, तो आज ना मैं बना रही थी कचौड़ी, और वो भी शाम के टाइम, और मैं वीडियो डाल रही हूँ सुबह, और 3:30 बज रहा था तब मैं इसको वीडियो उसके पहले ही एडिटिंग कर रही थी ताकि मैं डाल दूँ और ये 3 बजे तक मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए, 3-3:30 बजे तक लग जाए। तो फ्रेंड ना मैंने बनाई थी कचौड़ियाँ दही वाली, तो मैं इसमें ना दही, अजवाइन, थोड़ा सा नमक और यहाँ पे हल्का सा मोयन डाली हूँ। बहुत ही अच्छी फुली फुली कचौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं और इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है। ये मम्मी के हाथ की कचौड़ी है, मैंने भी मम्मी से ही सीखा है और ये ना बहुत इस समय पसंद आ रही है मेरे घर में सबको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बनाती हूँ। फ्रेंड, तो इसको ना आटा गूंदने के बाद ना आप थोड़ा सा रेस्ट पे रख दीजिए, कम से 5-7 मिनट के लिए भी, और नहीं भी रखेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत जल्दी से मतलब कचौड़ियाँ फूल जाती हैं। तो मैंने ना सारी कचौड़ियाँ फटाफट से अपने हाथ से ना आटा गूंदा, तो मैंने इसमें ऐड किया था दही और नमक और थोड़ा सा मोयन अजवाइन, बस यही 3-4 चीज़ें हमको डाल के ना आटा मैंने ना गूंद के रख दिया था। और उसके बाद मैंने ना इसको फटाफट से लोई करके इसको छान लिया, अच्छे से लोई करके बेला, बेल बेल के छान लिया, और ढेर सारी कचौड़ियाँ बनाई थी मैंने। और मैंने ना बनाया था आलू की सब्ज़ी, तो आलू को मैंने उबाला था, उसके बाद वही टमाटर प्याज वाली ग्रेवी, अदरक जीरा लहसुन सारा कुछ ना इसी तरीके से मैं पीस के और उसको ना बनाई थी। और रीज़न ये था फ्रेंड कि वो काफ़ी दिन से ये था ना कि वही कचौड़ी बनाओ और सब्जी बनाओ तो खाने का मज़ा मतलब अलग ही होता है इस कचौड़ी का। बाकी तो मसाले वाली कचौड़ियाँ बनती हैं मेरे घर में और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है कचौड़ियाँ, तो मैंने ज़्यादा क्यों बनाया था उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। फ्रेंड, ये जो कचौड़ियाँ नहीं बहुत ज़्यादा फूली हैं, फूलने की वजह से ना सब ज़्यादा लगती हैं, बाकी इतनी कचौड़ियाँ नहीं होती हैं, और हाँ कम भी नहीं था। उसके बाद मैंने ना जीरा फटाफट से मतलब मसाला पीस के मैंने इधर ना ग्रेवी रेडी की, और ग्रेवी रेडी करते ही मतलब मैं वीडियो शूट कर रही थी और मेरी बिटिया मोबाइल लेके चली गई फ्रेंड, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो कम शूट कर पाई हूँ। जब बना सब्जी कंप्लीट हो गया तभी मैं मतलब लेके आई। उसके बाद ना ये देखिए मेरी सब्जी रसेदार एकदम तैयार हो गई है, वो भी मैंने लोहे कढ़ाई में बनाया था। तो फ्रेंड देखिए, इधर मैंने ना काट के चुकंदर रेडी कर दिया है ये देखिए, और इधर ना मैंने पूड़ियाँ बना के सब कुछ रेडी किया, और रेडी करने के बाद ये देखिए मेरी थाली लग गई है यहाँ पे, और फाइनली ये मेरा खाना होता है जो मतलब मैं बनाई थी, आलू की सब्जी, मिक्स दाल रोटी, दो ही कचौड़ी दी थी अपने हस्बैंड।